हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप लोगों का। आई एम सी ए निकुंज गोयनका, योर टैक्स एडिटर, और आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो पे, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, आप नवंबर 17 में अपीयर करने वाले हो, डेढ़ महीना भी बाकी नहीं है गाइस, एक महीना 5 दिन। अगर मैं आज कैलकुलेट करूँ तो आज मैं 25 सितंबर को वीडियो बना रहा हूँ, आज से लेके 1 मंथ 5 डेज बाद आपका एग्ज़ाम है। तो आज जैसे हम लोग सिलसिला आज फिर से मैं कंटिन्यू रखूँगा, आपको हमारी समरी वीडियोज़ होपफुली अच्छी लग रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग ने जो अमेजिंग रिस्पॉन्स फेसबुक में हमें दे रहे हैं, यूट्यूब में हमें दे रहे हैं, विद आर रिविजन चार्ट्स, विद आवर वीडियोज, विद आवर नोट्स, विद आवर थॉट्स, एवरीथिंग, जो भी आप हमें रिस्पॉन्स दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच। बस आप इसी तरह रिस्पॉन्स देते रहिए, इसी तरह आपके साथ वीडियोज़ भी शेयर होता रहेगा और आप घर बैठे बैठे पढ़ाई आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। और टैक्स जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आई थिंक आपको हक बनता है रिविजन। अगर आप वीडियो नहीं प्ले करेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं अच्छे से रिवाइज करेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6A डिडक्शंस, और चैप्टर 6A का डिडक्शंस आपको ये चार्ट सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैंने ऑलरेडी फेसबुक में अपलोड कर दिया है। आप प्लीज़ उसे रख कर ही ये वीडियो को रिवाइज करिएगा, ताकि आपके लिए पूरा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि चैप्टर 6A वाला जो हमारा जो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A का जो चैप्टर है, इट इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर इनकम टैक्स सिलेबस, बिकॉज आपको इंस्टीट्यूट जगह जगह पे डिडक्शंस दे के तकलीफ देगा। वहाँ पे आपको चैप्टर 6A डिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि यस, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपका वो सारे डिडक्शंस है जिसमें आपको याद रखना है कि आपको ग्रॉस टोटल इनकम के बाद इसको रिड्यूस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6A डिडक्शंस। बिफोर हेडिंग इनटू द टॉपिक, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि चैप्टर 6A डिडक्शंस का जो हमारा टॉपिक है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है इन माई चार्ट। सबसे पहला है पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस। कुछ कुछ डिडक्शंस होता है जो हमें पेमेंट के बेसिस पे मिलता है, और कुछ कुछ डिडक्शंस होता है जो हमें इनकम के बेसिस पे मिलता है। आई रिपीट, कुछ कुछ डिडक्शंस है जो हमें पेमेंट के बेसिस पे मिलता है, और कुछ कुछ डिडक्शंस है जो हमें इनकम के बेसिस पे मिलता है। मैं आज आपको इस वीडियो में ये वाला पोर्शन डिस्कस करने वाला हूँ जो हमें पेमेंट के बेसिस पे डिडक्शंस मिलता है। इनकम की डिडक्शंस बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, कभी कभार एग्जाम्स में बहुत कमती आया हुआ है। पेमेंट वाली जो डिडक्शंस है वो ज़्यादा रेलिवेंट है, उसको प्लीज़ दिमाग में रखिएगा, बिकॉज पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस आपको कुछ किसी भी सब में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम, सबसे पहले पेमेंट्स डिडक्शन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके स्क्रीन पर है, वो है सेक्शन 80 सी। अगर आप देखेंगे सेक्शन 80 सी जो है, 80 सी, 80 ट्रिपल सी, 80 सी सी डी और 80 सी सी ई, ये चार सेक्शन बना के मैंने एक ही साथ आपको कोरिलेट करके बताऊंगा कि चारों सेक्शन में लिंक है और चारों सेक्शन में हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात समझिए कि जो सेक्शन 80 सी का डिडक्शन मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सी बोले तो कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मेनोमिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके कारण आपको सेक्शन का नाम लर्न हो सकता है। ये खाली इंडिविजुअल और HUF को मिलता है, अगर आप इंडिविजुअल और HUF हो तो आपको डिडक्शंस मिलेगा। 80 सी सबसे पहले अपने सेक्शन स्टार्ट करेंगे, और बिफोर एंटरिंग इनटू दिस सेक्शन आपको बता दूं, आपको याद होगी कि ये जो डिडक्शन है इस सेक्शन में, ये आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया का मिलता है, 1.5 लाख से बेसी आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा कंट्रीब्यूशन टू LIC प्रीमियम। अगर आप LIC प्रीमियम में कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है, है ऑफ सेल्फ स्पाउस या चिल्ड्रन, यानी खुद का या आपके स्पाउस का या चिल्ड्रन का, जो मेजर भी होने चाहिए या माइनर होने, कोई भी आपका बस चिल्ड्रन चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, कुछ भी होगा, आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले यह याद रखना है कि जो सेक्शन 80 सी है, 80 सी में आपको LIC प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है। LIC प्रीमियम बोले तो सर सेल्फ स्पाउस या चिल्ड्रन, अगर आप सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के लिए LIC प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल जाता है। इसमें 3 पार्ट्स होता है, आपको याद रखना है, अगर आपका पॉलिसी डेट कब हुआ है, जो पॉलिसी आप ले रहे हो उस पॉलिसी डेट के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका डिडक्शन आपको कितना मिलने वाला है। यदि आपका पॉलिसी 1/4/12 के पहले है, तो आपको डिडक्शन मिलने वाला है
20% of the sum capital assured whichever is lower. यानी सर अगर आपका पॉलिसी वैल्यू एक चार अगर आपका पॉलिसी डेट 1/4/12 के पहले पहले तक है तो आपको डिडक्शन मिलेगा जितना प्रीमियम आपने पेमेंट किया मैक्सिमम 20% ऑफ द कैपिटल सम अश्योर्ड विच एवर इज लोअर. यानी अगर आपने 1 लाख की प्रीमियम दी और आपका पॉलिसी वैल्यू है 20 लाख तो 20 लाख का जो 20% है दैट इज 4 लाख रुपीज और आपने प्रीमियम दिया 1 लाख रुपीज तो 1 लाख का डिडक्शन आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C. फिर आता है अगर आपने पॉलिसी इशू किया 1/4/12 के बाद तो जो 20% का लिमिट है वो घट के हो जाता है 10%. बाकी कोई चेंज नहीं है एक्चुअल अमाउंट जो आपने प्रीमियम पे किया और 10% ऑफ द कैपिटल सम अश्योर्ड विच एवर इज लोअर. और अगर आपका पॉलिसी इशू 1/4/13 के बाद हुआ है तो याद रखिएगा 10% तो रहेगा ही, इसमें खाली 15% वाला क्लॉज और इंसर्ट हो गया था फॉर डिजेबल्ड पर्संस, जो लोग थोड़े बीमार होते हैं 80U में, जो लोग सफ़र कर रहे हैं कुछ डिजीज से 80DD में. अभी मैं 80U 80D में थोड़ी देर में घुसने वाला हूँ. आपको बस ये ध्यान रखना है 1/4/13 के बाद अगर आपका पॉलिसी डेट है तो आपको 15% या 10% वॉट एवर द केस में भी आपको याद रखना पड़ेगा. और पॉलिसी अगर 1/4/12 के बाद इशू है तो योर कैपिटल सम अश्योर्ड इज 20% और एक्चुअल्स और दी एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज लोअर. फिर अपने को ये बात इसमें ध्यान रखनी है कि प्रीमियम डज नॉट इंक्लूड अ रिटर्नेबल प्रीमियम और बोनस ओवर एंड अबव द सम एक्चुअली अश्योर्ड. आपका जो रिटर्नेबल प्रीमियम है या बोनस इंक्लूडेड है प्रीमियम में वो आपका प्रीमियम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, डिडक्शन आपको उसका नहीं मिलेगा. देन कम्स माई अपने एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन चैप्टर सैलरीज में पढ़े थे कि एम्प्लॉई अगर कंट्रीब्यूट करते हैं अपने पैसा से टुवर्ड्स आरपीएफ या एसपीएफ या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड तो उसका भी डिडक्शन उसे एटीसी में मिलता है. याद रखें कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बात नहीं किया मैंने, मैंने बात किया है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन का जो अपने पैसे से वो निकालता है इनकम विच इज़ नॉट एन इनकम बट अ डिडक्शन अंडर 80C. देन अपने पढ़े थे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा. एनएससी में करोगे, टर्म डिपॉजिट जो 5 साल से ऊपर का वो करोगे विद अ शेड्यूल बैंक, सीनियर सेविंग सिटीजन सेविंग स्कीम में करोगे, 5, 10 या 15 ईयर पोस्ट सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम में करोगे, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में करोगे, ELSS में करोगे, नेशनल हाउसिंग बैंक स्कीम में करोगे या नाबार्ड बॉन्ड्स या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा. याद रखिएगा ट्यूशन फीस अगर आप पेमेंट कर रहे हो अपने बच्चों का फॉर चिल्ड्रन अप टू टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन फॉर फुल टाइम स्टडी इन इंडिया स्कूल्स या कॉलेजेस, लेकिन इसमें डोनेशंस एंड डेवलपमेंट फीस एक्सक्लूडेड है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा. याद रखिएगा आप जो लोन रीपेमेंट करते हो कौन सा लोन सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, ये हाउसिंग प्रॉपर्टी की बात किया जा रहा है, इसमें हाउसिंग प्रॉपर्टी का बात किया जा रहा है. अगर आप हाउसिंग प्रॉपर्टी का लोन रीपे कर रहे हो वो भी प्रिंसिपल अमाउंट, उसी का डिडक्शन आपको मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन अपने हाउस प्रॉपर्टी में ले लेते हैं अंडर 24B और प्रिंसिपल जो अपने रीपे करते हैं उसका डिडक्शन अपने लेते हैं अंडर सेक्शन 80C. याद रखिएगा इसमें स्टैम्प ड्यूटी का भी खर्चा आपको मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी का भी खर्चा आपको मिलने वाला है. ओके सर आगे बढ़ते हैं. आप अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हो फॉर सेल्स स्पाउस या चिल्ड्रन तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C. देन कम्स माई अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम इन द नेम ऑफ द इंडिविजुअल या गर्ल चाइल्ड और द गर्ल चाइल्ड फॉर होम ही इज अ लीगल द ही और ही और शी इज द लीगल गार्जियन. अगर आपने गर्ल चाइल्ड के लिए को सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में पैसा डाल रहे हो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा. देन अपना आता है अगर आपने प्रीमियम पे किए हैं फॉर डेफरमेंट ऑफ एन्यूटी ऑन द लाइफ ऑफ द एसएससी और हिज और हर स्पाउस और चाइल्ड तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा. दिस इज नॉट वेरी रिलेवेंट, बाकी सब आपको ध्यान रखना है, दैट इज मोर रिलेवेंट. 80C में अपने को ये जो डिडक्शंस मिलते हैं मैंने आपको सारा बता दिया. अब अपने आते हैं 80CCC में. 80CCC भी का भी इसका भी लिमिट मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख होता है. याद रखिएगा 80C में अपने जितना भी पढ़ा था सबका डिडक्शन का लिमिट 1 लाख होता है, वैसे 80CCC का भी मैक्सिमम डिडक्शन का लिमिट सॉरी आई रिपीट आई टेक माई बैक माई वर्ड्स 80C का मैक्सिमम 1.5 लाख होता है उसे, क्योंकि सारा सब कुछ आ गया 1.5 लाख के लिमिट में. अगर आप 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 1.5 लाख के अंदर. वैसे 80CCC का भी मैक्सिमम 1.5 लाख होता है. अब अपने देखते हैं कि 80C कब मिलता है. 80C अपने को मिलता है अगर अपने कोई LIC का एन्यूटी प्लान में इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए, एक पेंशन फंड में इन्वेस्ट किए ऑफ LIC, अगर पेंशन फंड ऑफ LIC में अपने इन्वेस्ट किए तब अपने को डिडक्शन मिल जाएगा जितना अपने अमाउंट इन्वेस्ट किए या मैक्सिमम 1,50,000 विच एवर इज लोअर. आपको बात समझ में आई होगी आई होप. ये थोड़ा रिटेंशन का चैप्टर है, इसमें नथिंग टू अंडरस्टैंड. आपको खाली लिस्ट दिमाग में रखना पड़ेगा कि किस किस इनकम का किस किस खर्चा के ऊपर हमको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6 से.
अगेन द सेम पॉइंट, इंटरेस्ट और बोनस अगर आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, वो प्रीमियम का पार्ट नहीं होगा. और पेंशन अगर आप इस फंड से विड्रॉ करते हो तो आपको अल्टीमेटली टैक्स हो जाएगा जब आप विड्रॉ करते हो, बिकॉज आपको डिडक्शन मिल रहा है जब आपने पैसा डाला है. 80 CCD आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेक्शन है बट मैंने चार्ट के थ्रू आपके लिए सब कुछ सिंपली कर दिया है, आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगा चार्ट के थ्रू. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रिविजन, इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन इन द सब्जेक्ट लाइक टैक्स, कि अगर आपके पास एक दिन पहले मैं आपको 20 पेज दे दूँ आपको वही पढ़ना है तो सोचो इस चीज़ें कितनी आसान हो जाएगी. इसी तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करता हूँ एंड आई नो दे आर वेरी वेरी अप टू डेट विद दिस रिविजन चार्ट्स. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप भी ट्रेन हो जाओगे. 80 CCD में अपने पढ़े थे इन्वेस्टमेंट इन अटल पेंशन योजना. अटल पेंशन योजना को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया है. अटल पेंशन योजना बेसिकली एक पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का. अगर आप पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का में पैसा डाल रहे हो, अगर आप LIC वाला का पेंशन स्कीम में डाल रहे हो तो आपको 80 CCC में मिलेगा, लेकिन आप पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का डाल रहे हो में पैसा तो आपको 80 CCD में मिलेगा. 80 CCD में तीन सेक्शंस है, एक 80 CCD 1, एक 80 CCD 2 और एक 80 CCD 1B. तो आप सबसे पहले अपने पढ़ते 80 CCD 1. 80 CCD 1 में सिंपल सा बात है, अगर आप खुद का कोई आपको एम्प्लॉय नहीं हो, आप नॉर्मली कंट्रीब्यूट कर रहे हो इन पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जो आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है या 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लो, यानी आपका टोटल इनकम का मैक्सिमम 10% का डिडक्शन से ज्यादा इसका डिडक्शन नहीं हो सकता है. अगर आप 10 लाख का GTI हो आपके पास, GTI का 10% दैट इज 10 लाख का 10% दैट इज 1 लाख से बेसिक आपको इसका डिडक्शन नहीं मिल सकता है अंडर सेक्शन 80 CCD. अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, आप एम्प्लॉयड हो तो सर सिंपल सा बात है आपका GTI नहीं होगा, आपका सैलरी हो जाएगा. अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो सेम चीज है, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होगी. और अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो बट ऑब्वियस आप जितना कॉन्ट्रीब्यूट करोगे और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, GTI रिप्लेस हो जाएगा सैलरी से, बस और कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है. देन कम माई 80 CCD 2. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इसमें आपको दिमाग रखना है कि ये वाली जो कॉन्ट्रीब्यूशन है गाइज, ये कॉन्ट्रीब्यूशन वाली है जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन. अगेन द सेम थिंग, इसका आपको डिडक्शन मिलने वाला है अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. अल्टीमेटली आपको ये समझना है अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड 10%, इससे बेसी अगर कुछ हुआ आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. देन मैं आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन का जिसका नाम है 80 CCD 1B. प्लीज़ दिमाग पहले एक बार एक चीज़ कंसेप्ट को आपको समझना है ताकि मैं आपको ये चीज़ बता सकूँ. प्लीज़ सुनिएगा मेरा बात. गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक ट्रिक खेला, बोला कि 80 CCC + 80 CCD ये वाला डिडक्शन 1.5 लाख से बेसी नहीं हो सकता है, और ये बोलता है सेक्शन नंबर 80 CCE. 80 CCD का इंडिविजुअल लिमिट भी 1.5 लाख है, 80 CCC का इंडिविजुअल लिमिट भी 1.5 लाख है, और इसका 10% ऑफ द सैलरी है, इन तीनों का लिमिट भी 1,50,000 है. यानी सर अगर हम इससे बेसी इन्वेस्ट किया अल्टीमेटली मुझे 1.5 लाख से बेसी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है. अगर आप 80 CCD 1B देखेंगे तो उसमें 50,000 का आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा ओवर एंड अबव 1,50,000. अगर आप 80 CCD 2 देखेंगे उसमें भी आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैंने अभी बात किया वो भी उसको मिलेगा ओवर एंड अबव 1.5 लाख रुपीज़. यानी 80 CCD ये जो है इसमें खाली 80 CCD 1 है, 80 CCD 2 जो होगा और जो 1 भी होगा वो इसमें कवर्ड नहीं है. इसका मतलब आपका 80 CCD + 80 CCD 1 विल नॉट एक्सीड 1,50,000. ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और ये बोलता है हमारा सेक्शन 80 CCE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो चलिए आते हैं अपने वापस से चार्ट पे. अगर आप देखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में हमने बताया है कि दिस इज ओवर एंड अबव द 1.5 लाख लिमिट, दिस इज लिमिट ऑफ 1.5 लाख इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल, नॉट एट ऑल एप्लीकेबल बिकॉज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है. और ये जो 1B है ये एक एडिशनल डिडक्शन मिलता है आपको 50,000 का, इसका भी लिमिट के ऊपर एप्लीकेबल. मतलब इसका मतलब सर अगर 80 CCD में इंडिपेंडेंटली 2 देखूँ, 80 CCD तो 50,000 तो पहले आपको 1B में मिलेगा, फिर उसके बाद अगर आपका कोई एलिजिबिलिटी है तो
तो आप ATCCD 1 में ले सकते हो, मतलब 50,000 इज एडिशनल डिडक्शन ओवर एंड अबव ATCCD 1। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो सैलरी वर्ड मैंने बताया है उसका डेफिनेशन है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट एज द केस में भी। तो चलिए इसका रिविजन करते हैं। अपने सेक्शन 80C में अपने पढ़े थे सारा का सारा फंड्स, उसका मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख। 80CCC में अपने पेंशन फंड का पढ़े थे, इंश्योरेंस कंपनी उसका लिमिट है 1.5 लाख। 80CCD 1 न्यू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका है 10% ऑफ सैलरी और GTA व्हाटएवर द केस में भी अगर एम्प्लॉय हो, अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो। 80CCD 2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये भी है 10% ऑफ सैलरी, लेकिन अगेन द केस ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 1.5 लाख लिमिट से ऊपर है। और जो 80CCD 1 भी है ये भी 50,000 आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 80CC रेस्ट्रिक्ट्स द लिमिट ऑफ 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD 1 टू 1,50,000। ये मैं आपको चार्ट में नहीं समझा रहा, ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है एंड बाकी सब स्टूडेंट्स भी एक बार देख लेंगे, बहुत सिंपल है। मैं आपको वापस से डिटेल में नहीं समझा रहा, विच इज़ एग्जाम के रिलेवेंट मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। 80C, 80CCC, 80CCD 1 अपने ख़त्म कर लिए। अब आते 80CCG में, बहुत ईजी सेक्शन है। ये है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सेविंग स्कीम। इसमें कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट क्लेम डिडक्शन क्लेम कर सकता है, इनका नाम है 80CCG। मैं आपको वीडियो के एंड में मेनोमिक्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको सेक्शन नंबर्स भी लर्न हो जाएंगे, बट पहले मैं चाहता हूँ आप सेक्शन समझो, उसके अंदर जो बातें लिखी है उसको समझो, उसके बाद अपने आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इक्विटी सेविंग स्कीम में तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCG। किनको मिलेगा? पहले बात याद रखना, एक नया रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा। अगर कोई पुराना इन्वेस्टर है तो उसको नहीं मिलेगा, एक नया रिटेल इन्वेस्टर वो मिलेगा जिनका टोटल इनकम 12 लाख से, जिनका ग्रॉस टोटल इनकम, याद रखिएगा GTI डज नॉट एक्सीड 12 लाख, 12 लाख से बेसी नहीं है, उन्हें 80CCG के अंडर डिडक्शन मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट किस में करना होगा सर? इन्वेस्टमेंट करना होगा इक्विटी सेविंग स्कीम में, जिसमें आपने अपने वो इक्विटी सेविंग स्कीम नोटिफाई हो चुकी है, उस स्कीम का नाम है राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम 2013। राजीव गांधी इक्विटी स्कीम 2013 के अंदर अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड अगर आपको याद होगा अपने कैपिटल गेंस के चैप्टर में पढ़े थे, अगर आपका 65% से ज़्यादा किसी कोई फंड का, अगर 5% से ज्यादा फंड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड है किसी डोमेस्टिक कंपनी का, तो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट ऑफ फंड होता था और नहीं तो डेट ओरिएंटेड होता था। तो आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड यूनिट्स ऑफ EOU के अंडर इन्वेस्ट करेंगे अंडर राजीव गांधी स्कीम, और आप न्यू रिटेल इन्वेस्टर हो जिनका GTA अप टू 12 लाख से बेसी नहीं है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर 80CCG, वो भी कितना? 50% अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टेड और 25,000 विच एवर लो, मतलब अगर आप 1 लाख का इन्वेस्ट किए तो 1 लाख का 50%, दैट इज 50,000, और 50,000 और मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल सकता है 25,000 से बेसी आपको डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर नहीं मिलने वाला है। ये डिडक्शन आपको 3 साल तक मैक्सिमम मिलेगा, जिस साल से आप सबसे पहले एक्वायर किए हो वो तब से लेकर आपको 3 साल का डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट 25,000 से बेसी नहीं मिलने वाला है। इसका लॉक इन पीरियड है, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लिए और अगर आप 3 साल के अंदर बेच दिए, तो अर्लियर आपने जो डिडक्शन मिला था वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल आपने बेचा, मतलब आपको 3 साल तक आपको अपने पास ये यूनिट्स रखनी पड़ेगी। देन अपने आते हैं, ये तो आ गया अपने 80CCG, अब अपने चालू करते हैं रंगारंग कार्यक्रम ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अपने को डिडक्शन मिलता था, सबसे पहले लोन का डिडक्शन अपने पड़े थे हाउसिंग लोन का 24B में इन IHP। ये बात प्लीज़ ध्यान से सुनेगा, इस बार का अमेंडमेंट था फाइनेंस एक्ट 16 का, सेक्शन 80E और सेक्शन 80EE, इसको बोलते हैं ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लोन, ई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लोन ऑन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक तरह का मेनोमिक्स। तो 80E बोलता है बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, और 80EE बोलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, उसके लिए अगर आप लोन ले रहे हो उसका जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो आपको 80E के अंदर में मिलेगा, जिसका नाम है E for education बोले तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। इंडिविजुअल को मिलेगा चाहे वो रेसिडेंट हो या नहीं, जिनको जिन्होंने लोन लिया फॉर हायर एजुकेशन अपने लिए या स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए या इंक्लूडिंग द स्टूडेंट जिनके लिए वो लीगल गार्जियन है, उनके लिए अगर भी लोन लिया तो भी इनको डिडक्शन मिलेगा। बेसिकली डिडक्शन कब मिलेगा? जब अपने लिए, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए आपने लोन लिया है, आपको एक्चुअल इंटरेस्ट जो आपने पेमेंट करना है अप टू 8 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ रीपेमेंट वो आपको डिडक्शन मिल के चलेगा, मतलब इसका डिडक्शन आपको 8 साल तक मिलने वाला है। याद रखिए there is no limit on 80 section E 80E, इसका actual interest के basis पे आपको deduction
मिलने वाला है. देन कम्स की आपको थोड़ा बहुत नोट्स बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परस्यूइंग एनी कोर्स फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशंस विल क्वालिफाई फॉर डिडक्शन. उसका डिडक्शन आपको मिलने वाला है. लोन शुड बी टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. इस बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया था 24B में, इन्होंने कंफ्यूज कर दिया था कि आपने लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी के लिए अपने फ्रेंड से. 24B में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको डिडक्शन तो ही मिलेगा अगर आपने लोन कोई बैंक से लिया है. बट 80E में है, अगर आप हायर एजुकेशन का लोन बैंक से नहीं लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं लिए, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है. तो 24B और 80 थोड़ा बहुत इस मामले में डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट होगा. अब अपने पढ़ते हैं सेक्शन 80EE. सेक्शन 80EE अपने पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. द वर्ड इंपॉर्टेंट इज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में अपने देखे थे अगर कोई इंडिविजुअल लोन ले रहा है घर खरीदने के लिए फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसे ईई के अंडर मिलेगा. दैट इज यू मीन बाय एक्स्ट्रा इंटरेस्ट. एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलता है 24A में, ई में मिलेगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट. इसका डिडक्शन मिलेगा अगेन द सेम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000. 80CCG में 25,000 का लिमिट था, बट 80EE में 50,000 मैक्सिमम लिमिट है. एक्चुअल इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000. याद रखना आपको इसकी चार कंडीशंस है. अगर चार कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. पहला कंडीशन है कि लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए इसी साल में, दैट इज प्रीवियस ईयर 16-17 जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है. आपका जो लोन का अमाउंट है वो 35 लाख से बेसी नहीं होना चाहिए, 35 लाख से बेसी नहीं होना चाहिए. और आपका जो घर का वैल्यू है वो 50 लाख से बेसी का नहीं होना चाहिए. इसका मतलब खुद का पैसा होना चाहिए 15 लाख रुपीस. इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो ताकि आपको एग्जाम में रिटेंशन रहे. एसएससी के पास एक भी घर नहीं होना चाहिए. अ वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन, एसएससी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिस दिन वो लोन ले रहे. यानी अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर है तो आप इस सेक्शन के अंडर डिडक्शन नहीं ले सकते. अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो, गवर्नमेंट बोल रहे आप खुद का घर लीजिए, लोन लीजिए, हम आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं 80EE में. मैक्सिमम डिडक्शन 25,000. मैक्सिमम डिडक्शन 50,000. आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी. और आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर एनी अदर प्रोविजन. लेकिन आपका लिमिट है ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ 2 लाख जो अंडर सेक्शन 24B है. याद रखिएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर आपको याद होगा 2 लाख का लिमिट हुआ. इसका मतलब 2 लाख तो अंडर 24B ले सकता है और 50,000 और वो ले सकता है अंडर 80EE. आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी. ओके सर, अब अपने को आगे बढ़ना है. अब अपने आते हैं डी फॉर दवा, दैट इज सेक्शन 80D. डबल दवा, डबल दुखी बीमार, और 80U यानी अंडर प्रिविलेज मेडिकल एक्सपेंसेस. अब आते हैं अपने मेडिकल एक्सपेंसेस में. मेडिकल एक्सपेंसेस में चार सेक्शन है, 80DB और 80U. एवरीथिंग इज वेरी कोरिलेटेड. सबसे पहले 80D को खत्म कर लेते हैं. 80D में याद रखिएगा आप अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो आपके लिए लिमिट है दो. एक तो या तो 25,000 लिमिट होगा या तो 30,000 लिमिट होगा. 25,000 किनके लिए लिमिट होगा, 30,000 किनके लिए लिमिट होगा, अभी आइए देख लेते हैं. सबसे पहले आपको याद रखना 80D में कौन कौन से एक्सेस पे अपने को डिडक्शन मिलने वाला है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है. 80D में अपने को मिलने वाला है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में डिडक्शन अदर देन कैश जो पेमेंट कर रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का एक्सपेंडिचर मे बी पेड इन कैश. याद रखिएगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपने खुद को बीमारी से दूर रखने के लिए चेकअप कराते हैं, ताकि इसलिए गवर्नमेंट ने उसको कैश में भी अलाउ किया है. कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अदर देन कैश इवन ऑब्वियसली नॉट अलाउड फॉर पेरेंट्स. यानी अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए कर रहे हो, पेरेंट्स के लिए करो कोई प्रॉब्लम नहीं, वाइफ के लिए करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू अपने अकाउंट में जो कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, ये तीन का इनको डिडक्शन मिलेगा. प्लीज कम बैक टू द लिमिट ऑन डिडक्शन. अगर आप सेल्फ स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करो, याद रखिएगा इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन इसमें एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है. उनके लिए लिमिट है 25,000 टोटल में, उनके लिए लिमिट है 25,000 टोटल में. और पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो या नहीं, उनके लिए दोनों केस वैलिड है. पेरेंट्स चिल्ड्रन के लिए अपने खाली डिपेंडेंट देखते हैं, बट पेरेंट्स के लिए दोनों देख के चलते हैं, उनके लिए भी लिमिट 25,000 है. और HUF का लिए अगर कोई लिमिट है तो उनके लिए मेंबर का जो लिमिट है वो भी 25,000 है. याद रखिएगा इनमें से अगर कोई भी आदमी का एज 60 और मोर है और वो इंडिया का रेसिडेंट है, उनके लिए लिमिट बढ़ जाएगी 30,000 रुपये. यानी अगर आपके पेरेंट्स 61 ईयर्स के हैं, उनके लिए आप कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं, आपको 30,000 तक का डिडक्शन मिलेगा. आप अपने वाइफ के लिए या खुद के लिए खर्चा कर रहे हैं जो 60 ईयर्स से कम के हैं, तुमको 25,000 डिडक्शन मिलेगा. इन शॉर्ट अगर खुद के लिए खर्चा किया तो 25, जो सीनियर सिटीजन नहीं है, और अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए खर्चा किया तो
30,000 का डिडक्शन मिलेगा, तो 30+25 गिव्स यू 55,000 का डिडक्शन. ओके सर, समझ में आ गई. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का याद रखिएगा, ये जो है जो आपको मे बी पेड इन कैश है, इसका लिमिट 5,000 है, इससे बेसी आपको डिडक्शन नहीं मिला. यानी अगर आप इसमें 6,000 का खर्चा करते हो आपको 5,000 अलाउड होगा. और मज़े की बात ये है सर कि ये जो 5,000 का मैंने बोला, ये सारे के सारे लिमिट्स में, यानी 25 और 30 से बेसी का नहीं होना चाहिए. जो भी होगा या तो 25 के अंदर होगा या तो 30 के अंदर होगा. उसी में सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ चेकअप का एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है. ये 5,000 खाली एक इंडिविजुअल लिमिट है जो आपको ध्यान में रखने की दरकार है, वो भी सेल्स पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के लिए. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो, अब एक पर्सन मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है अपने वेरी सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए जिनकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, याद रखिएगा 80D से कनेक्टेड है बिल्कुल. अगर आपके पेरेंट्स जो बहुत वेरी सीनियर सिटीजन है, व्हाट यू मीन बाई वेरी सीनियर सिटीजन, जिनका 80 ईयर्स और मोर का एज है और मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो अगर वो वेरी सीनियर सिटीजन है तो भी उनको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80D, लेकिन अगेन सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 30,000, नॉट एक्सीडिंग द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेल्स स्पाउस चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. तो बेसिकली तब कब मिलेगा, अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हो आपको 30,000 का डिडक्शन तब मिलेगा अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेके रखे हो तो. वरना मेडिकल एक्सपेंडिचर ले लिए तो नो प्रॉब्लम, आप आराम से 30,000 का डिडक्शन तो भी ले सकते हो. आई होप आपको समझ में आ गया. 80D में जो डिडक्शन मिलता है एक्चुअल एक्सपेंस का मिलता है. मैंने जो भी आपको बताया 30 और 25 ये तो लिमिट है, इसके ऊपर का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. बट अगर खर्चा आपने कम किया है तो इससे नीचे का ही आपको खर्चा डिडक्शन मिलने वाला. मान लीजिए आपने 18,000 का खर्चा किया तो 25 का डिडक्शन थोड़ी ना मिलेगा आपको, 18 का ही डिडक्शन मिलेगा. अब मैं आता हूँ 80DD, 80DDB और 80U में. 80DD, 80DDB, 80U काफ़ी मिलता जुलता सेक्शन है. सबसे पहले मैं ख़त्म करता हूँ 80DD और 80U में, समझिएगा बात. आप अगर कुछ एक्सपेंस इंकर कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट अपने डिजेबल डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए, मैं बोला आप खर्चा कर रहे हो लेकिन आप कर रहे हो अपने डिजेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव के ऊपर. रिलेटिव का डेफिनेशन बेसिकली बोलता है अगर रिलेटिव कब माना जाएगा, आपका रिलेटिव होगा आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रेन, आपके पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बेसिकली ऑलमोस्ट सब पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर्स भी आपके रिलेटिव है. रिलेटिव डिपेंडेंट के लिए अगर जो डिजेबल्ड है उनके लिए अगर आप खर्चा करो, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन चैप्टर 6 है ये वाला सेक्शन, अगर वो डिजेबल्ड है तो उनके लिए 75,000 आपको डिडक्शन मिलेगा. और अगर आप एक वो सिविली डिजेबल्ड है, सिविली डिजेबल्ड बेसिकली उनकी डिजेबिलिटी 80% तक कैटेगरी की चली गई है, देन उनके लिए वो सिविली डिजेबल्ड माने जाएंगे एंड देन आपका डिडक्शन बढ़ के हो जाएगा 1,25,000. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इररेलीवेंट. एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज, अगर आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इररेलीवेंट. एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब नहीं है आप थोड़ा सा भी खर्चा करेंगे, ये फिक्स डिडक्शन लिमिट है, इसका डिडक्शन फिक्स्ड है, आपको मिलता रहेगा अगर आप डिजेबल डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए खर्चा कर रहे हो. अगर वो डिजेबल्ड है, सिविली डिजेबल्ड नहीं है तो 75,000 और सिविली डिजेबल्ड है तो 1,25,000. यही चीज मैं अगर खुद के लिए खर्चा करता हूँ, आई एम एन एक्सपेंस, आई एम रिलेटिंग इनकरिंग एन एक्सपेंस इन रिलेशन टू ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ डिजेबल्ड SSC जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है. याद देखिए ये सारे के सारे सेक्शंस रेसिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सेम चीज होगा 75,000 और 1,25,000 एंड वो मुझे मिलेगा, मुझे डिडक्शन मिलेगा एंड मैं अपने लिए इंकर कर रहा हूँ. अगर मैं दूसरे के लिए इंकर कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 80DDB में, और अगर मैं अपने लिए इंकर कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 80DDU में. सॉरी आई रिपीट, अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मुझेगा 80U में, अपने लिए यू 80U बोले तो यू योर सेल्फ के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा. और अगर 80DD के अंदर है तो डबल दवा आपको दूसरों के लिए खर्चा करेंगे, रिलेटिव के लिए खर्चा करेंगे तो मिलेगा. देन कम्स माई 80DDB सेक्शन, डबल दुखी बीमार. मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ स्पेसिफाइड डिजीज का, जैसे कैंसर हो गया, न्यूमोनिया हो गया, पोलियो हो गया, और सेल्फ या डिपेंडेंट रिलेटिव बीइंग अ रेसिडेंट इंडिविजुअल कुछ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए मेडिकल खर्चा कर रहे हो तो आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 40,000 से बेसी नहीं. अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए लिमिट बढ़ जाएगी 60,000. अगर वो वेरी सीनियर सिटीजन है उनके लिए लिमिट बढ़ जाएगी 80,000 फॉर वेरी सीनियर सिटीजन. याद रखिएगा अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस में, अगर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस में कोई इंश्योरेंस की क्लेम मिल जाती है तो वो इंश्योरेंस क्लेम आपको अपने डिडक्शन के अमाउंट से रिड्यूस करना पड़ेगा. किस अमाउंट से रिड्यूस करना पड़ेगा सर? फाइनल डिडक्शन का जो अपना अमाउंट आएगा उस डिडक्शन के अमाउंट से ही हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और इसी को लेके चलना पड़ेगा. आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी. ओके सर, आगे बढ़ते हैं. 80D, 80DD, 80U, 80DDB का ख़त्म हो गया अपना सफ़र. अब अपने
द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मुझे लग रहा है आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो है ये वाला सेक्शन, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। अगर आप नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो 80JJAA में डिडक्शन मिलेगा। द रीजन वाई आई एम टेलिंग यू दिस इंपॉर्टेंट गाइज, सुनिए, ये वाला डिडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो बार चेंज हुआ, एक बार फाइनेंस एक्ट 15, एक बार फाइनेंस एक्ट 16। फाइनेंस एक्ट 16 में जब चेंज हुआ तो पहला बार एप्लीकेबल होना चाहिए था मई 17 एग्जाम में, ये मई 17 में पूछा नहीं गया था, ये नवंबर 16 में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है नवंबर 17 में भी क्वेश्चन आ जाए। 80JJAA बहुत इजी सेक्शन है लेकिन थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बन सकता है 80JJAA में। 80JJAA गवर्नमेंट क्यों लाया सेक्शन, सबसे पहले ये समझिए, अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हेल्प कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट सोच रही है कि आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, वर्कमैन बढ़ा रहे हो, अपनी पॉपुलेशन की जो संख्या है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो कम कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर 80JJAA। आइए एक बार पढ़ लेते कि किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं किसको मिलेगा। हर वो एसएससी जो बिजनेस में है और जिनकी टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी है, मतलब 44AB में जिनको टैक्स ऑडिट कराते हैं, मतलब वो बड़े एसएससी है, उनको मिलेगा डिडक्शन कितना है? समझ लीजिए 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 3 साल, 3 असेसमेंट ईयर्स तक उन्हें 30% का एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मिलेगा। अब अपने को ये समझना सर कि 30% तो समझ गए, असेसमेंट ईयर भी समझ गए, 3 असेसमेंट ईयर भी समझ गए, लेकिन ये नहीं पता चला कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। उसके लिए आपको ये सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है। आराम से समझते हैं, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट वो होता है जिसका मतलब, इट मीन्स टोटल एमोल्यूमेंट्स बोले तो आपका जो पर्क्स, आपका जो सैलरी होता है, पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉय, इतना बात समझिए। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% डिडक्शन मिलेगा एक एलिजिबल मैन एसएससी को जो बिजनेस में जिसका टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट है। वैसे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब क्या सर? टोटल एमोल्यूमेंट्स जो पे हुआ है एडिशनल एम्प्लॉय को। अब अपने को समझना है कि एडिशनल एम्प्लॉय कौन है और टोटल एमोल्यूमेंट का मतलब क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि एडिशनल एम्प्लॉय का है, बात समझ के लग रहा होगा, एडिशनल एम्प्लॉय मतलब जो बढ़ा हुआ एम्प्लॉय है, जो इस साल आपके पास नया आया है, जो इस साल आपके पहले नहीं था अब आया है, या इस साल आपने 50-60 एम्प्लॉयज को और हायर किया है, वो मेरा होता है एडिशनल एम्प्लॉय। लिटरल मीनिंग समझ के समझ में आ रहा है। आइए इनकम टैक्स एक्ट ने इसको कैसे डिफाइन किया पढ़ते हैं। एडिशनल एम्प्लॉय सबसे पहले सारे न्यू एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉयमेंट हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जो आपको बोला वही हुआ। अगर लास्ट ईयर तक आपका 50 एम्प्लॉय था, इस साल के एंड तक आपका 100 एम्प्लॉय हुआ, यानी आपका न्यू एम्प्लॉय कितना हुआ? 50 एम्प्लॉय हुआ। वो 50 एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉय एडिशनल एम्प्लॉय बन गया, उसको अपने जो टोटल एमोल्यूमेंट्स देंगे वो अपना एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट बन जाएगा, और उस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% हमें डिडक्शन मिलकर चलेगा। ओके सर, अब पढ़ते हैं। अब इस एडिशनल एम्प्लॉय में बड़े बड़े एम्प्लॉयज जो है, जो वर्कर नहीं है, जो लेबर क्लास नहीं है, जो एमडी लेवल के लोग हैं, जो बड़े बड़े सीएज है, जो कंपनी सेक्रेटरीज है, आप सीए बनोगे, आपकी सैलरी हाई होगी, तो गवर्नमेंट आपको ज़्यादा वो देने की प्रमोट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है जो लोअर लोग हैं, जो वेजेस में काम करते हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, जो मुठिया मजदूर लोग हैं, उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करे। इसलिए आपको क्या किया, देखिए एडिशनल एम्प्लॉय से किसी एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड किया गया, यानी वो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। उनके लिए अगर आप कॉस्ट इनकर करते हो तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं माना जाएगा और आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। देखेंगे एडिशनल एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयज कौन कौन एक्सक्लूडेड है। सबसे पहले जिनका टोटल एमोल्यूमेंट्स 25,000 मंथ से ज्यादा है, अगर उनको 25,000 मंथली से बेसी मिल रहा है, ही इज नॉट एन एडिशनल एम्प्लॉय, उनको जो कॉस्ट मिलेगा दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अकॉर्डिंगली नो डिडक्शन वुड बी अलाउबल अंडर 80JJAA। सेकेंड है, अगर वो एम्प्लॉय 240 दिन से कमती काम किए उस साल में, अगर कोई एम्प्लॉय 240 दिन से कमती काम किए एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उन्हें भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। अगर आप पूरा साल काम करिए या 240 दिन से ज़्यादा काम करेंगे साल भर में, तो ही उन्हें एडिशनल एम्प्लॉय माना जाएगा। लेकिन अपैरल्स मैन्युफैक्चर में इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत इंसर्ट किया गया था। जो कपड़े, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो अपैरल मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लोग टिकते नहीं है, 240 दिन बहुत है सर, इनके लिए किया गया 150 डेज का लिमिट। अगर आप 150 डेज से कमती का एम्प्लॉयमेंट है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो अपैरल मैन्युफैक्चरर्स के लिए देयर इज नो एडिशनल डिडक्शन, नो एडिशनल एम्प्लॉय। अगर 150 दिन से ऊपर का एडिशनल एम्प्लॉय है रह रहा है आपके पास, देन यू विल बी कंसिडर्ड एडिशनल एम्प्लॉय, यानी जो 240 डेज की कंडीशन है वो 150 डेज बन जाती है फॉर अपैरल मैन्युफैक्चरर्स। तीसरा
वो लोग होते हैं एडिशनल एम्प्लॉय, वो नहीं माने जाएंगे जो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करते, या जिसका इंटायर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करता है अंडर ईपीएफ एक्ट, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी एडिशनल एम्प्लॉय में नहीं आएंगे। ये हुआ हमारा एडिशनल एम्प्लॉय का डेफिनेशन। अब अपने समझते हैं एमोल्यूमेंट्स कौन होता है। ये बात समझिए, एमोल्यूमेंट्स सब कुछ होता है, कुछ कुछ एक्सक्लूड करके रखा है, वो एक्सक्लूजन ही अपने को पढ़ना पड़ेगा। एमोल्यूमेंट्स एक्सक्लूड्स एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ, पेंशन फंड, ग्रेचुटी, पेंशन लीव, एंकैशमेंट, वीआरएस एक्सेट्रा। याद करें सैलरी चैप्टर, जितना भी अपने को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है हमारा पेंशन फंड में, ग्रेचुटी फंड में, लीव एंकैशमेंट में, एवरीथिंग विल बी एक्सक्लूड। बेसिकली एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एमोल्यूमेंट्स एंड सिमिलर अदर बेनिफिट्स। याद देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स को आपको एक्सक्लूड करके चलना है। ये हुई हमारी बात 80JJAA की। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हो तो आपके लिए एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निल माना जाएगा। आपके लिए एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी आपका कोई नया बिजनेस नहीं, आप ऑलरेडी बिजनेसमैन थे, आपके लिए एडिशनल एम्प्लॉय निल माना जाएगा दो कंडीशन में। आपको सुन चौक के आप चौको नहीं सुन के आप चौकोगे नहीं सुन के आई बिलीव, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, पढ़ेंगे। अगर आपका एडिशनल एम्प्लॉय निल कब माना जाएगा आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में, अगर आपका कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है एम्प्लॉयज के नंबर में फ्रॉम द टोटल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, या फिर आपने एमोल्यूमेंट्स पे किया है कैश में। अगर आप एमोल्यूमेंट्स कैश में पे करेंगे तो आपको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्लीज़ याद रखेंगे, आप अगर एमोल्यूमेंट्स कैश में पे किए, गवर्नमेंट ने बनाया ताकि अपने कैशलेस इकोनॉमी में जा रहे हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए वी नीड टू कट डाउन ऑन कैश ट्रांजैक्शन, एंड इसीलिए आपको डिडक्शन कब मिलेगा, जब आप एमोल्यूमेंट्स कैश में दिए तो आपका एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट निल माना जाएगा। या फिर अगर आप न्यू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी एम्प्लॉय कॉस्ट, योर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट विल बी निल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई है सेक्शन 80JJAA, इंपॉर्टेंट था। अब अपने आते हैं जी फॉर एटी जी सीरीज में डोनेशंस की सीरीज आते हैं। जी में अपने देखेंगे अपने गांव का कल्याण करते हैं, गांव को डोनेट करते हैं, गौशाला बनाते हैं, जी फॉर गौशाला बनाते हैं, गांव गौशाला डेवलप करते हैं। तो 80G सीरीज में अपने खाली डोनेशंस का बात करेंगे। इसमें तीन चार सेक्शंस है, एक है 80G, GGA, GGB, GGC। GGB बहुत सिंपल है, मेन 80G दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ 80G के बारे में गाइस, ये ऐसा डिडक्शन है जो आपको एग्जाम में हमेशा लास्ट में कैलकुलेट करना है, बिकॉज 80G का कैलकुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन माई डिडक्शंस अंदर अदर सेक्शन। अगर आप अदर सेक्शन के अंदर में डिडक्शंस क्लेम नहीं किए ठीक से तो 80G का भी गलत आपका कैलकुलेशन आने वाला है, बिकॉज 80G कहीं ना कहीं आपको लिंक कराएगा आपके टोटल इनकम से, और टोटल इनकम जैसे अपने पढ़ चुके GTI माइनस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, तो 80G लिंक कराने वाले अदर टोटल इनकम से, तो 80G शुड बी द लास्ट डिडक्शन जो आप एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस सारा कर लीजिए, 80G लास्ट में कैलकुलेट करेगा। आइए देखते हैं 80G में क्या सिलसिला है रिविजन पर्पस के लिए। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं थोड़ा स्पीड इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज अभी अपने रिविजन कर रहे हैं, अपने नया बार नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ के बैठे हैं, पढ़ के मेरे को सुन रहे हैं, तो आई ट्रस्ट यू, आई कैन गारंटी यू आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को सुन रहे हैं इस वीडियो के अंदर, आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। आप प्लीज़ पहले पढ़े पूरे अच्छे से एंड देन यू सी दिस वीडियो, आपको बेनिफिट होगा। ये आपका वीडियो रिवाइज कराएगा आपको एग्जाम के लिए, कमती से कमती टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दिलाने वाला है। 80G, 80GGA, 80GGB, 80GGC। आइए सबसे पहले 80G देखते हैं। इसमें दो तरह के डिडक्शंस होते हैं, एक होता है डोनेशंस मैं कर रहा हूँ फंड्स में जो विदाउट सीलिंग लिमिट मेरे को डिडक्शन मिलेगा, और एक होता है जहां डोनेशन में कोई लिमिट आ जाता है। तो बेसिकली पढ़ते कहां लिमिट आता है, कहां लिमिट नहीं आता है। अब इसमें दो चीज आपको समझनी है, अगर मैं डोनेशन कर रहा हूं कोई फंड्स में जहां पे लिमिट है, तो अगर लिमिट है इसमें देखिए दो चीज है, एक लिमिट होगा एक विदाउट लिमिट होगा, एक विद लिमिट होगा एक विदाउट लिमिट होगा। अभी सबसे पहले देखते हैं विदाउट लिमिट। तो विदाउट लिमिट में भी दो रेट होगा, एक होगा 100% आपको डिडक्शन मिलेगा, एक खाली 50% आपको डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी सीलिंग लिमिट, मतलब उसके लिए आपका सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा होता है डोनेशन टू स्पेसिफाइड फंड्स विद सीलिंग लिमिट, यानी सर 100% भी मिलेगा 50% भी मिलेगा, लेकिन एक सीलिंग लिमिट होगा, एक मैक्सिमम कैप होगा, उससे बेसिक हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
तो आपको ये बात समझनी है इस सेक्शन के अंदर कि कौन सा फंड है जिसमें सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल होगा और जिसमें 100% होगा, कौन सा फंड है जिसमें सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल होगा और जिसमें 50% होगा, कौन सा फंड है जिसमें सीलिंग लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा और उसमें 100 और 50% होगा। आपको चारों कैटेगरी अलग अलग समझनी है। तो 100% विद सीलिंग लिमिट, 50% विद सीलिंग लिमिट, 100% विदाउट सीलिंग लिमिट, 50% विदाउट सीलिंग लिमिट। जैसे मैंने आपको अपने क्लासेस में बोला था कि प्राइम मिनिस्टर वर्ड या नेशनल वर्ड कोई भी फंड में जुड़ गया तो समझ लेना वो 100% विदाउट सीलिंग लिमिट है। एक कॉमन मैंने आपको टोटका दिया था। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले स्पेसिफाइड फंड्स। मैंने जो ये वाला एस्टरिक मार्क किया है मैं इसको पढ़ूंगा, यानी 100% विदाउट सीलिंग लिमिट। स्पेसिफाइड फंड्स एलिजिबल फॉर डोनेशन 100% विदाउट सीलिंग लिमिट कौन कौन आ गया? स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, अदर देन अमाउंट स्पेंड एज सीएसआर। ये तो आपको पता होगा पीजीपीपी से कनेक्टेड है पॉइंट। अगर आप बिजनेस एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो अंडर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो एज अ सीएसआर अगर आप कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो एक्सप्लेनेशन टू टू सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मुझे बोलता है कि वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, इट विड बी कंसिडर एज अ डिसअलाउबल एक्सपेंडिचर। तो उसका आपको ATC/ATG में डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको बोला है अदर देन अमाउंट स्पेंट एज सीएसआर। देन कम्स नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल डिफेंस फंड या नेशनल स्पोर्ट्स फंड। इसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो 100% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। देन आई विल कम टू कहाँ पे आपको 50% डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक है जवाहरलाल नेहरू जी का मेमोरियल फंड, एक है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। एक यही एक फंड है जहाँ पे 50% है, बाकी अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 100% है। इंस्टीट्यूट कन्फ्यूज कर सकता है इसमें, नेशनल बोले तो देश के लिए विकास के लिए इट इज 100%, जहाँ ड्रॉट की बात है वहाँ पे आ जाएगी 50%। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या राजीव गांधी फाउंडेशन में भी 50% विदाउट सीलिंग लिमिट, यानी इस पर कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे सर कि कहाँ लिमिट एप्लीकेबल था 100% में एंड 50% में। गवर्नमेंट अगर लोकल अथॉरिटी को प्रमोटिंग फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, अगर आप डोनेशन दे रहे हो फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा लेकिन विद अ सीलिंग लिमिट। अभी हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि सही लिमिट है क्या, ये लिमिट है क्या थोड़ी देर में बताने वाले, पेशेंस रखिए। अगर आप 50% वाला कैटेगरी में देखेंगे उस कैटेगरी में इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एग्जाम में बहुत 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 अनगिनत बार आया है, जो है अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट या नोटिफाइड रिलीजियस प्लेस या गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी फॉर अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। यानी अगर आप देख लिए आपने चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन दिया है, आग बंद करके याद रखिएगा 50% वाला कैटेगरी में आएगा, वो भी विद सीलिंग लिमिट में, दैट इज द लास्ट कैटेगरी। तो अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट में या रिलीजियस प्लेस में या गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अदर देन फैमिली प्लान, बिकॉज फैमिली प्लानिंग के लिए है तब तो 100% में आ जाएगा, अदर देन फैमिली प्लानिंग के लिए तो 50% में आ जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है सर। ओके सर, अब बता दो सीलिंग लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंट है दिमाग से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सीलिंग लिमिट है 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। क्या बोला? 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, यानी सर GTI भी नहीं है, एडजस्टेड GTI है। आपको GTI में कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी टू अराइव एट एडजस्टेड GTI। वंस यू अराइव एट एडजस्टेड GTI उसकी 10% इज द लिमिट। इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करने वाले, थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। 10% ऑफ द सीलिंग लिमिट, 10% ऑफ द एडजस्टेड GTI इज द सीलिंग लिमिट। अब एडजस्टेड GTI क्या है एक बार अपने देख लेते हैं। एडजस्टेड GTI बेसिकली आपको बोलने वाला है GTI लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो स्पेशल इनकम में था विच इज 111 अगर आपको याद होगा, जिसमें कंसेशनल टैक्स लगता था, जिसमें 1038 में एग्जेम्प्ट होता था, जिसमें आपको कोई भी कैप गेंस नहीं देना पड़ता था, उसको आपको एक्सक्लूड करना है, वो आपका इनकम में नहीं आएगा। तो GTI में अगर आप देखेंगे लेस LTC/STCG अंडर सेक्शन 11, मतलब LTCG को आप दैट्स अ स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, तो उसे आपको एक्सक्लूड करना है। आपको STCG टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट 15% इंस्टेड ऑफ 30%, उसको आपको एक्सक्लूड करना है। देखो अगर लिमिट कम करा रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें डिडक्शन भी कमती देने वाला है, तुम्हें डिडक्शन भी कमती देने वाला है, ऐसे सोचिए। तो LTCG STCG पूरा का पूरा मेरा बाहर हो जाएगा फ्रॉम दी GTI का कैलकुलेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहा जो मैं बोल रहा था स्टूडेंट गलती करने वाले हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। इसलिए मैंने आपको बोला था
आपका 80C का कैलकुलेशन गलत तो 80G का कैलकुलेशन भी गलत, क्योंकि 80C आपको इसमें से रिड्यूस करना है, 80D रिड्यूस करना है, 80E, 80EE, 80GG, 80GGBC, एवरी सेक्शन अदर देन 80G, बिकॉज 80G अपने कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको हमेशा लास्ट में कैलकुलेट करना है। टोटल सब कुछ कर लीजिए, उसके बाद आपको एक साथ लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये लास्ट में कैलकुलेट करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। 80G में मैं आपको एक बता देता हूँ, स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं जनरली। मैंने आपको बताया था 50% ऑफ द डोनेशन अमाउंट, 50% आपका डोनेशन अमाउंट विद सीलिंग लिमिट, मान लीजिए विद सीलिंग लिमिट। तो सबसे पहले गाइज आपको ये समझना है, हम सबसे पहले सीलिंग लिमिट निकालेंगे, सीलिंग लिमिट निकाले और डोनेशन निकाले, उस दोनों का विच एवर इज लोअर हुआ उसका मैं 50% करूँगा। ये 50% एकदम लास्ट में होनी चाहिए, आप इसका 50% मत कर दीजिएगा। आप डोनेशन को और सीलिंग लिमिट का लोअर को फाइनली आप 50% या 100% वट एवर द केस में भी आपको निकालना पड़ेगा। 50% शुड बी द लास्ट थिंग विच यू विल बी डूइंग इन 80G। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं। 80GG बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेक्शन है। याद रखो, साइंटिफिक रिसर्च, अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस कर रहा है, इफ़ यू रिमेंबर साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस, अपने सेक्शन 35 बोल के एक सेक्शन पढ़े थे, 35(1)(1), 35(1)(2), 35(1)(2)(a), 35(2) कैपिटल ए, 35(2)(ab), बहुत सारे सेक्शंस पढ़े थे, 200%, 175, 125 अदर तरह के डिडक्शंस मिलते थे जो साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस करते थे। इन हाउस भी होता था और एक्सटर्नल भी होता था। अगर आपका PGPP में कोई नाता नहीं है तो कहाँ डिडक्शन लेंगे, PGPP तो नहीं ले पाएंगे, तो आपके सामने शरण लेगा 80GGA, जिसका फुल फॉर्म होगा गांव डेवलपमेंट सर्व, गांव की डेवलपमेंट। तो 80GGA बोलने वाला है डोनेशंस टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन या रूरल डेवलपमेंट फंड या सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फॉर ऑल SSCs जिनका कोई भी PGPP इनकम नहीं है। अगर PGPP इनकम है तो 35 में ले लिए होंगे, मतलब साइंटिफिक रिसर्च बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आपका PGPP भी कुछ भी इनकम नहीं है तो आप जाएंगे 80GGA के पास, वो आपको डोनेशन का डिडक्शन दे देगा। आइए देखते हैं कितना मिलेगा। 100% मिलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर एक बात याद रखना है, आप अगर 10,000 से बेसी पेमेंट कर रहे हो तो आप कैश में नहीं कर सकते, दैट शुड बी अदर देन कैश। और अगर SSC एंगेज्ड है बिजनेस प्रोफेशन में तब तो उसको 35, याद करो स्पेशल डिडक्शन, 35AC, 35CCA, ये सारे के सारे उसको डिडक्शंस मिलने वाला है अंडर PGBP। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 80GGB और GGC। तो GGB और GCC एक ही चीज को बोलेगा, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस रहने वाला है, उस डिफरेंस को अपने समझते हैं। 80GGB आपको डोनेशन का बात बोलेगा, पॉलिटिकल पार्टी को बोलेगा, इलेक्टोरल ट्रस्ट को बोलेगा, एक इंडियन कंपनी अगर करता है तो, बेसिकली अगर कोई इंडियन कंपनी कोई डोनेशन कर रहा है अदर देन कैश तो उसे पूरा 100% डोनेशन का अमाउंट मिलने वाला। याद रखिए एक चीज प्लीज, डोनेशंस इज डिसअलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर इन PGPP अंडर सेक्शन 37, करेक्ट। एडवर्टीजमेंट टू सोवेनियर पार्टी पब्लिश्ड, आपको सोवेनियर वाला एग्जाम प्रोविजन याद होगा 37(2)(b) में, ठीक है सर। अब आपको इसका अगर डिडक्शन चाहिए तो आपको 80GG में भी देखना पड़ेगा, 80GGC में अलग से देखना पड़ेगा। PG में भी तो डिसअलाउ करिए, इनकम बढ़ाइए, GTI बढ़ाइए, फिर अलग से 80GGA या 80GGB या 80GGC में आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपको इसका डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बाय इंडियन कंपनी अदर देन कैश तो 100% ऑफ द सम डोनेटेड। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन कर रहे हो, आप कौन हो? आप ऐसे पर्सन हो जो लोकल अथॉरिटी नहीं है या होली या पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट नहीं है, तो भी आपको 100% डोनेशन मिल जाएगा ऑफ द सम डोनेट। बेसिकली सर डिफरेंस ये है कि इसमें इंडियन कंपनी डोनेट करता है, इसमें सारे पर्सन डोनेट कर सकते हैं अदर देन लोकल अथॉरिटी होली या पार्टली फंडेड बाय दी गवर्नमेंट। आपको होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 80GGB और 80GC बिल्कुल अलग सेक्शन है, 80GGB किसी और के लिए, 80GC किसी और के लिए। आई होप आपको समझ में, बस खत्म हो गया हमारा, 5 मिनट्स की वीडियो और है, देन आई विल बी क्लोजिंग द वीडियो। प्लीज़ एक बात को समझिए, अगर आपको HRA याद होगा, एक 80GG बोल के याद सेक्शन है जिसका नाम है घर घर, GG स्टैंड फॉर घर घर। तो 80GG अपने को बोलेगा, अगर तुम
को एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है. बिकॉज अगर एचआरए का एग्जेम्पशन मिले इसका मतलब तुम कोई रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे, तुम किसी का एम्प्लॉय है और तुमको एचआरए का एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो तुमको हम एटीजीजे का डिडक्शन नहीं दे सकता है. लेकिन अगर तुमको एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है कोई भी कारण से, तो आपको डिडक्शन मिलेगा जीजी के अंदर घर घर अगर आप कोई भी रेंट को पे करते हो. अगर आप कोई भी रेंट को पे करते हो तो देखो, रेंट पेड बाय एन इंडिविजुअल सीधा से लिखा है, जिनको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिल रहा है या रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सिंपल सा सबमिट ट्विस्ट दे सकता है, आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन में रहा, आपने इतना इतना रेंट दिया, क्या आप एटीजीजी दे दोगे? आंसर नो सर. एटीजीजी कब मिलता है? जब आरएफए नहीं मिलेगा, जब एचआरए नहीं मिलेगा, तो ही आपको एचजीजी का डिडक्शन मिलेगा. ठीक है सर, इसका आपका डिडक्शन वेरी सिंपल है, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस विद एचआरए. पहला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी उसमें था एचआरए में, इसमें एडजस्टेड जीटे है. और एडजस्टेड जीटे जो अभी हम मैंने पढ़ के गया है, अभी जो मैंने पढ़ा के गया आपको एटीजी वाले सेक्शन में, ये वही होने वाला है. अगर आप देखेंगे ध्यान से, GTI less LTCG special income taxable special rate, STCG जो special income special taxable rate, special rate 111 के अंदर, deductions under ATC to ATU other than ATGG, उसमें other than ATG था क्योंकि उसमें ATG का deduction निकाल रहे थे, इसमें ATGG का deduction निकाल रहे, तो ATGG को छोड़ के बाकी जितना deductions आपको less करना पड़ेगा. देखो जहाँ पे adjusted GTI आया समझ लेना, वो आपको एकदम last में calculate करना है. अगर पहले calculate करने जाए तो बुरी तरीके से फंस जाओगे, please ध्यान रखिएगा. रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी के अगेंस्ट में, सैलरी के अगेंस्ट में आपको वर्ड यूज करना है एडजस्टेड जीटीआई, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और 5000 पर मंथ. ये पहले 2000 3000 था, अब इसको बढ़ा के लिमिट कर दिया है 5000 पर मंथ, यानी 60000 से बेसिक का डिडक्शन आपको साल में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो ये आपका लिमिट है, लोअर ऑफ द थ्री विल बी द डिडक्टेबल अमाउंट अंडर सेक्शन 80GG. क्या कंडीशन है? बहुत सिंपल है सर, आपको भी समझ में आ जाएगा. अगर कोई एसएससी यानी उसका सेल्फ या स्पाउस या माइनर चाइल्ड डज नॉट ओन अकोमोडेशन एट अ प्लेस एट वर्क, यानी मान लो वो जानबूझ के रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा है जहाँ पे वो काम करता है, वहीं पे किनी उन्होंने फैमिली मेंबर का या डिपेंडेंट आदमी का जो सेल्फ स्पाउस माइनर चाइल्ड है उनका कोई खुद का घर है, तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, आप गलत डिडक्शन क्लेम कर रहे हो. अगर एसएससी ओन करता है कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एट एनी अदर प्लेस, देन सच प्रॉपर्टी शुड नॉट बी एसेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. वेरी वेरी लॉजिकल प्रोविजन, रटेंगे तो फंसेंगे, प्लीज दिमाग से याद करो. हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू नहीं होता है. ठीक है, अगर आप एक ऐसे घर में रेंट, आपका एक घर है दूसरे जगह पे, ठीक है, और आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो प्लेस ऑफ वर्क में, तो मैं आपको रेंटेड अपार्टमेंट का डिडक्शन दे दूंगा, लेकिन आप जहां प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो वो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मत मानिएगा, बिकॉज आप वहां रह नहीं रहे हो. मतलब यहाँ पे तुम जीजी का डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हैं रेंटेड अपार्टमेंट के ऊपर, और वहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोल के एनुअल वैल्यू भी नहीं ले रहे हैं, आप दोनों जगह कैसे रह सकते हो? तो वो आपको डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा. अगर वो आप डीम टू बी लेट आउट मान लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला डिडक्शन आपको मिल जाएगा. एंड दैट इज वाई दिस सेक्शन इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव. ये बहुत सारा कंडीशन दे दिया, इफ यू नो दिस वाला कंडीशन थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा. अगर एसएससी ओन कर रहा है एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट एनी अदर प्लेस, then such property should not be assessed as self-occupied property. यानी अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आप ओन कर रहे हो उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मत मानना, तो ही आपको एटीजीजी में डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. सर समझ में आ गया आपको बात? योगी एटीजीजी. अब आती है एटी क्यूक्यूबी और एटी आरबी. क्यूक्यूबी बोलते हैं क्वालिटी क्वालिटी बुक्स, मस्त मस्त बुक्स, और बुक्स बनाता है ऑथर, ऑथर को मिलता है पेटेंट, रॉयल्टी मिलता है इनकम, इनकम से मिलता है डिडक्शन. आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी. तो एटी क्यूक्यूबी सिंपल है, रॉयल्टी इनकम अगर कोई रेसिडेंट ऑथर है बुक्स का, अदर देन टेक्स्ट बुक्स जो अपने एनुअली जो अपने एग्जाम के लिए होता है, जो अपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं वो नहीं, जो फिक्शनल बुक्स होते हैं जो मार्केट में बिकते हैं, जो टेक्स्ट बुक्स छोड़ के फॉर स्कूल्स या कमेंट्रीज, उस केस में आपका रॉयल्टी इनकम का डिडक्शन आपको मिलेगा 100% मिलेगा सर, नेट रॉयल्टी इनकम के पास. व्हाट डू मीन बाय नेट रॉयल्टी इनकम? मतलब आपने जो रॉयल्टी इनकम कमाया और आपको उस पर जो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिला उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, मतलब नेट रॉयल्टी इनकम आपका 100% डिडक्टेबल होगा, लेकिन 3 लाख से बेसी का नहीं, और 3 लाख विच एवर इज लोअर. कंडीशंस क्या है सर? रॉयल्टी अगर इंडिया से बाहर आ रहा है, इट शुड बी ब्रॉट इन इंडिया इन फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर. अगर नहीं आ रहा है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. और रॉयल्टी अगर आप फिक्स की हो बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ द बुक सोल्ड, मतलब 15% तुम पब्लिशर जितना बेचेगा उसके हिसाब से अगर आपका रॉयल्टी इनकम फिक्स है,
then you will have to consider maximum 15% of the books sold considered for the purpose of the. यानी अगर 20% का आप contract कर लिए, आपको deduction 20% पे नहीं मिलेगा, आपको deduction 15% के हिसाब से मिलेगा. यानी government बोल रही है 15% से value से ज़्यादा अगर आप fix किए, तो आपको deduction तो 15% ही मिलेगा. तो कोई भी author royalty 15% से बेसी लेने का जिगरा नहीं करेगा, बिकॉज 80QQB में उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा सर. अब आते हैं 80RRB में. 80RRB इज एप्लीकेबल ऑन रॉयल्टी इनकम ऑफ पेटेंटी. पेटेंटी समझ गए, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर. कोई भी फॉर्मूला, कोई भी प्रोसेस का अगर वो पहले इन्वेंट किया, वो पेटेंट करा लेगा 80RRB के अंदर. और अगेन द सेम प्रोविजन, कोई भी चीज़ में डिफरेंस नहीं है. लेकिन क्योंकि सर ये बुक्स पे नहीं मिलता है, ये पेटेंट्स पे मिलता है, इस पे परसेंटेज वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है. बाकी सारी की सारी 80QQB और RRB की प्रोविजन बिल्कुल बिल्कुल सेम है. आई होप आपको बात समझ में आएगी. आई थिंक मैंने एक प्रोविजन आपको मिस करा दिया है, वो मैं आपको करा देता हूँ, जो एग्जाम में भरपूर पूछा जाता है, वो है 80TTA, सेक्शन 80TTA. इस पूरे के पूरे डिडक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है हर टर्म में. 80TTA बेसिकली आपका इंटरेस्ट इनकम को लेके डील करता है, जो आपको मिलता है आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट के डिपॉजिट्स में. अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखते हो, तो आपको इंटरेस्ट इनकम आता है, उसका डिडक्शन अपने को मिलता है सेक्शन 80TTA में. कब मिलता है सर, ये बात आपको समझने की दरकार है. अगर आप इंडिविजुअल हो या HUF हो, जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है डिपॉजिट से, किस में सर, ये याद रखना आपको, एक सेविंग बैंक होना चाहिए. करंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, सेविंग बैंक होना चाहिए. पोस्ट ऑफिस होनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस अकाउंट होनी चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कोई अकाउंट होनी चाहिए. तो आपको मिल जाएगा डिडक्शन मैक्सिमम 10,000 रुपया पर एनम. आपने जो एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम है या डिडक्शन, या आपका जो 10,000 का लिमिट है, विच एवर इज लोअर, वो आपको डिडक्शन मिलेगा. अगर आपको 12,000 का इनकम मिला है, तो 2,000 टैक्सेबल होगा. आप GTI में तो 12,000 डालेंगे, बट चैप्टर 6 के अंदर 80TTA के अंदर आप 10,000 का डिडक्शन ले लेंगे. आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा. मैंने चैप्टर 6 से का जो पेमेंट पार्ट है, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है. ये देखिए, इनकम बेस्ड भी मेरे चार्ट के ऊपर में ही है. मैं इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं समझता, बिकॉज इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल टॉपिक. आपको ये पूरे इनकम बेस्ड डिडक्शंस में यही समझना है कि कौन कौन सा डिडक्शंस में कितना परसेंटेज मिलेगा, कितना पीरियड के लिए टैक्स हॉलीडेज मिलेगा और किसको मिलेगा, विच इज़ प्योरली अ लर्निंग बेस्ड एक्सरसाइज. तो मेरी एडवाइस सब स्टूडेंट्स के साथ ये रहेगी, आप प्लीज़ इसको लर्न करें, प्लीज़ इसको ट्राई करें समझने का. वैसे आपको बता दूं, ये वाली जो पोर्शन है इनकम बेस्ड डिडक्शंस, ये वाली जो टैक्स हॉलीडेज की पोर्शन है, जो मैंने अभी नहीं कराया है, ये अपने नेक्स्ट टर्म में, दैट इज फॉर इंटरमीडिएट, मई 2018 टर्म के लिए, नॉट नवंबर 17, मई 2018 टर्म के लिए ये रिमूव हो चुका है, बिकॉज इसमें से मोस्ट ऑफ द सेक्शंस अब नहीं लगेंगे. ये रिमूव हो चुका है आपके सिलेबस में से. तो आई डोंट थिंक सो इट इसमें ज़्यादा स्ट्रेस है, येस, बट जितना भी मैंने आज आपसे डिस्कस किया है पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस, उस पर स्ट्रेस ज़रूर है सर. स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ इसको ध्यान से रखिएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. आई होप आप यू हैव लाइक दिस वीडियो. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको रेगुलरली बेसिस पे अपडेट्स मिलता रहे. और आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी. आप प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमारे इस वीडियो के बारे में कुछ वर्ड्स बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि हम आपका वीडियो और बेटर तरीके से बना सके और फ्रीक्वेंसी में बना सके. सो That's it from today. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. Please do like, share and subscribe and spread across all your friends. और बताइए उनको इस वीडियो के बारे में, ताकि वो भी ये वीडियो से अपना भरपूर revision tax का कर सके. I hope everything is good. I wish you a very happy Durga Puja from my side. Very all the best to all of you. Continuously basis पे हम और videos डालते रहेंगे. Very good. All the best guys. Very. Bye bye. Bye. Jai Hind.